जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, आपने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की कारगुजारियों के ऊपर कैग रिपोर्ट पर चर्चा करने का समय दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि बिना किसी पॉलिटिकल रिटोरिक के एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक पेज बाय पेज इस रिपोर्ट के ऊपर पढ़नी चाहिए और इस रिपोर्ट पर चर्चा भी करना चाहिए। और अगर इस देश के लोगों को लगता है कि इस रिपोर्ट में कोई खामी है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सबसे पहले कैग क्या है, अगर कोई व्यक्ति ना समझे ना जाने, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। यह वो व्यक्ति है जो देखता है संसद के अंदर मान्य खर्चे की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए। एक तरीके से ये गवर्नमेंट का पूरा ऑडिट करता है और ये देखता है कि कहीं कोई खर्चा जो गवर्नमेंट ने किया है उसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं, और उस गड़बड़ी को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लेके आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिनको हम घोटाला भी कह सकते हैं, जिनको हम बड़े स्केल का करप्शन भी कह सकते हैं, ऐसे 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है रिपोर्ट नंबर 19 पे पेज नंबर 27, अगर कोई साथी पढ़ना चाहे तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट भी अटैच है। रिपोर्ट नंबर 19 पे पेज नंबर 27 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक सोने की सड़क की चर्चा होती है। कैग का रिपोर्ट कहता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर 29 किलोमीटर की सड़क बननी थी जिसके अंदर उसकी लागत थी 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। 29 किलोमीटर की सड़क बननी थी, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका खर्चा तय किया गया, लेकिन 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे खर्चे किए गए। जिस 1 किलोमीटर सड़क पर 18 करोड़ रुपए खर्च करने थे उस पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सबसे शानदार बात यह है कि इसकी पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग, जो इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी, मॉनिटरिंग, खर्चा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी देखती है जिसके प्रेसिडेंट खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री की निगरानी में एक सड़क जो कि 29 किलोमीटर बननी थी जिसका रेट 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर था, वो 250 करोड़ रुपए के हिसाब से बनी। आप तय कर लें इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, जिसको हम भ्रष्टाचार नंबर 2 कह सकते हैं, घोटाला नंबर 2 कह सकते हैं, रिपोर्ट नंबर 19 पेज 66 जब हम पढ़ते हैं तो इस रिपोर्ट के अंदर 2 महत्वपूर्ण चीज हैं जो हमारे साथी ऋतुराज भाई ने भी डिस्कस किया। भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके अंदर भारत के सभी पार्ट के अंदर एक सड़क निर्माण होनी है और ये लगभग 75,000 किलोमीटर के आसपास ये सड़क का निर्माण होना है। पर किलोमीटर जो खर्चा तय किया गया था वो था 15,37,00,000 रुपए। 15,37,00,000 रुपए तय किया गया था कि इसका पर किलोमीटर ये खर्चा होगा, लेकिन जो खर्चा किया गया वो किया गया 32,17,00,000 रुपए पर किलोमीटर। तो लगभग 2 गुना खर्चा किया गया। जहां पर 15 करोड़ रुपए खर्चा करना था वहां पे 32 करोड़ रुपए खर्चा गया। 75,000 किलोमीटर ये सड़क थी तो अगर आप देखा जाए तो लगभग 7,50,00,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये पूरा का पूरा 7,50,00,000 करोड़ रुपए का घोटाला। जो साथी थोड़ा सा कंपेयर करना चाहें, जो 2G स्पेक्ट्रम की रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर पूरी की पूरी केंद्र के सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हो गई, उसमें कैग की रिपोर्ट के हिसाब से 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। ये लगभग 7,50,000 करोड़ रुपए का घोटाला है।
रिपोर्ट नंबर 19 है, पेज नंबर 66 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ इसमें पेज नंबर 27 में सेम रिपोर्ट में यह कहता है कि जब भी इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बनाई जाती है तो एक सेफ्टी कंसल्टेंट का अपॉइंटमेंट होता है, जो एक तरीके से इस पूरे के पूरे रोड को देखता है कि ये सेफ है या नहीं सेफ है। एक ऑडिट के रूप में उसकी भी एक भूमिका होती है मॉनिटरिंग की। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में सेफ्टी कंसल्टेंट का कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ। ये पेज नंबर 227 में है, ये भ्रष्टाचार नंबर 2 है। भ्रष्टाचार नंबर 3 पे बातचीत करते हैं, रिपोर्ट नंबर 7 पेज नंबर 4, जो साथी पढ़ना चाहें। इसके तहत आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे टोल होते हैं, टोल एक तरीके से प्राइवेट कंपनियों को दे दिए जाते हैं और प्राइवेट कंपनियां टोल इकट्ठा करके सरकार को उसका पैसा देती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने एक रूल बनाया है कि अगर मान लीजिए किसी भी टोल के ऊपर, जो रोड कनेक्टिंग रोड, अगर वो रोड के ऊपर काम चल रहा है, रोड के ऊपर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो टोल की जो कॉस्ट है वो 75% कम होनी चाहिए, 75% माइनस होनी चाहिए। रिपोर्ट नंबर 7 पेज नंबर 4 जब आप पढ़ते हैं तो कैग ने मात्र 5 टोल का आकलन किया है और उसके हिसाब से कि 75% जो कम होना चाहिए था, प्राइवेट कंपनियों को कम लेना चाहिए था, उन्होंने उस 75% को कम ना लेकर टोटल 100% लिया। 5 टोल में लगभग 132 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अगर आप समझे, अपने कॉमन सेंस लगाएं कि पूरे देश के अंदर ऐसे कितने टोल होंगे जहां पे इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा जिसके रेट में 75% की कमी होनी चाहिए थी, लेकिन 75% की कमी नहीं की गई, सीधा सीधा प्राइवेट कंपनियों को फायदा दिला गया। मात्र 5 टोल में 132 करोड़ से ज्यादा रुपए का फायदा दिलाया गया। इसमें कितना सरकार को मिला होगा, कितने मंत्री जी को मिला होगा, कितने अधिकारियों को मिला होगा, उसका कैलकुलेशन आप कर लें। पॉइंट नंबर 4, रिपोर्ट नंबर 11 पेज नंबर 19 जब आप पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना की चर्चा यह रिपोर्ट करता है। यह रिपोर्ट कहता है कि लगभग 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन मात्र एक नंबर से किया गया और वो नंबर है 9999999। इसी तरह से 1.93 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, लगभग 2 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ जिसमें नंबर ऐड किया गया 8888888888, मतलब कोई नंबर ही नहीं था, फर्जी नंबरों से लगभग 9 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनका बिल का पैसा निकाल लिया गया। इसी तरह से लगभग 88,000 उन मरीजों का पेमेंट किया गया जिनकी मौत हो चुकी है, वो मृत्यु हो गई थी, पेमेंट लिया, पेमेंट लेने के समय जिंदा हुए, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो 88,000 ऐसे लोगों को केंद्र सरकार ने पेमेंट दे दिया जो जिनकी मौत हो चुकी थी, फिर उनको जिंदा किया, जिंदा करके उनको पैसा उनके अकाउंट में डाला, फिर निकाला और फिर उनको मार दिया। लगभग 88,000 लोग ऐसे हैं। पॉइंट नंबर 4, रिपोर्ट नंबर 11 पेज नंबर 19, आप तय करें इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं, आप तय करें। अगला घोटाला नंबर 5, रिपोर्ट नंबर 17 पेज नंबर 52, और ये घोटाला किसी और से नहीं बल्कि खुद भगवान प्रभु राम की, जो रामलला की जो एक पूरा का पूरा उनका मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके ऊपर ये घोटाला किया गया। इन्होंने 20 करोड़ रुपए एक ऐसे ठेकेदार को दे दिए जो कि ठेकेदार अयोग्य था, उसको आप दे ही नहीं सकते थे, जो कि ब्लैक लिस्टेड था, ऐसे ठेकेदार को 20 करोड़ रुपए का पेमेंट दे दिया इन्होंने। ये 5 पॉइंट इस कैग ने पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट टेबल की गई है, ये 5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। रोड 18 करोड़ में बननी थी, 250 करोड़ में बनाई गई, 29 किलोमीटर की ये रोड थी द्वारका एक्सप्रेसवे की। इसी तरह से भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर जो 15 करोड़ में बननी थी, 16 करोड़ में बननी थी, उसको 32 करोड़ में बनाया गया। मैंने आपको प्रॉपर रिपोर्ट पेज नंबर के हिसाब से दे दिया है। अब इस देश के लोगों को तय करना है कि इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है,
कैग के रिपोर्ट में, जब 2G स्पेक्ट्रम के रिपोर्ट में ये कहा गया कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, पूरा का पूरा देश सन्न था, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा मीडिया इसके ऊपर चर्चा कर रहा था, लेकिन आज मीडिया इतना ज़्यादा डरा हुआ है, आज सारी संस्थाएं इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें 75,000 किलोमीटर सड़क बननी थी, 75,000 किलोमीटर सड़क बननी थी, 15 करोड़ रुपए लागत थी, 32 करोड़ में बनाया गया रिपोर्ट नंबर 19, और लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के हर विधायक, हर सांसद, हर काउंसलर, हर कार्यकर्ता और हर एक सपोर्टर से कहूंगा कि आपको ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, फिर आपको तय करना चाहिए कि आपके प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।